वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 सॉइल। सॉइल का हमने पहले भी एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने आधा चैप्टर को कवर किया है, तो आज हम दूसरा पार्ट बनाएंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, मतलब सॉइल का नेचर कैसा होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उसे जो है सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए हम यहाँ पे जो है कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा। तो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर का मतलब होता है सॉइल में पानी कितना जल्दी जाते हैं, मतलब सॉइल कितना जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे पर्कुलेशन रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या, भुजू और पहली ने क्या किया, दो स्क्वायर लिया। भुजू और पहली ने 50 सेंटीमीटर का दो इस तरीके का स्क्वायर लिया, ठीक है, दो इस तरीके का इक्वल साइज का जो है स्क्वायर लिया भुजू और पहली ने। और दोनों को क्या क्या, एक को उसने घर के फ्लोर पे रख दिया, एक स्क्वायर को इसमें से उसने क्या क्या घर के फ्लोर पे रख दिया, और एक को रख दिया कच्चा रोड में। कच्चा रोड तो आपको पता होगा, मतलब जो रोड पक्का नहीं है, कच्चा रोड में रख दिया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, सेम साइज़ का, मतलब 50 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर लिया था उसी साइज़ का 50 सेंटीमीटर का दो बॉटल लिया और बॉटल को पानी से भर दिया। उसके बाद दोनों बॉटल को लेके जाके सेम टाइम में दोनों स्क्वायर में वो लोग ने पानी को डाल दिया, ठीक है, सेम टाइम में पानी डाल दिया और बॉटल को खाली कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन। जो वाटर फ्लोर पे था, जो स्क्वायर फ्लोर पे था, उसका पानी जो है इस तरीके से बह गया, लेकिन जो कच्चा रोड वाला जो पानी था वो पानी क्या होने लगा, वो पानी जो है एब्जॉर्ब होने लगा, मतलब वो पानी वाटर सॉइल जो है उसको एब्जॉर्ब करने लगा। तो अभी पर्कुलेशन रेट को देखने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि पर्कुलेशन रेट किस तरीके से होता है। तो एक्टिविटी 9.4 यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को क्या लेना है, आप लोग क्या करना है। सबसे पहले आप लोग अपने में से तीन टीम बनाइए और टीम का नाम रखिए ए बी और सी करके, तीन टीम बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है, तीनों टीम को सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ आपको चाहिए सिलेंडर या फिर पाइप, आप कोई भी सिलेंडर ले लीजिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो टीन का कैन होते हैं ना, टीन का कैन का बॉटम अगर आप काट दोगे इस तरीके का होते हैं, अगर ये वाला पार्ट आप काट दोगे तो ये भी एक पाइप जैसा बन जाएगा, वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पाइप यूज़ कर सकते हैं आप। और इसका डायमीटर जो है वो आप क्या रखिए, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर रखिए, और इसका जो लेंथ है लेंथ 20 सेंटीमीटर का रखिए। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि आपका जो तीन टीम है, तीनों टीम में जो पाइप का साइज़ होगा, जो सिलेंडर का साइज़ होगा, वो सेम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों सिलेंडर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने जहाँ पे क्या क्या है सॉइल का सैंपल रखा है वहाँ पे उस पाइप को लेके जाना है। लेके जाके आपको 2 सेंटीमीटर डीप में उसको गाड़ना है उस पाइप को, जैसे कि यहाँ पे सॉइल है, उस पाइप को आपको 2 सेंटीमीटर अंदर तक उसको गाड़ देना है। उसके बाद आपको 200 ml वाटर लेना है। आप 200 ml का कोई भी बॉटल यूज़ करिए, जैसे कि जूस के बॉटल में उसका जो है मीज़र आता है, उस टाइप का कोई भी बॉटल यूज़ करिए। और वो जो आपने टिन लिया था, पाइप लिया था, जैसे कि अगर आपने इस तरीके का टिन लिया था, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस बॉटल से जो है पानी धीरे धीरे करके उस टिन में डालते जाना है।
और जब आपने पानी डालना शुरू किया उस टाइम पे आपको जो है टाइम को नोट कर देना है। व्हेन ऑल द वाटर हैज पार्कुलेटेड, जब सारा वाटर, इस तरीके से मेजर में देखिए, सारा वाटर अंदर की तरफ चला जाएगा, तब आपको क्या करना है, जब मतलब वो जो टिन आपने लिया था, टिन जब खाली हो जाएगा उस टाइम पे आपको जो है फिर से अपना टाइम को नोट करना है। बी केयरफुल नोट बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन, मतलब जब आप पानी डाल रहे हो तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी उस टिन या फिर पाइप से बाहर ना जाए, वो अंदर ही जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद है जो पार्कुलेशन का रेट होता है उसको आप किस तरीके से निकालेंगे, तो पार्कुलेशन रेट निकालने के लिए यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके पार्कुलेशन रेट निकाला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पार्कुलेशन रेट होता है उससे जो अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया था, कितना वाटर लिया था आपने, आपने लिया था 200 ml वाटर आपने लिया था, और सपोज आपको 200 ml वाटर जो है उस टिन में डालने में 20 मिनट्स लग गया, तो जितना टाइम लगेगा वो टाइम आपको नीचे लिखना है और जितना वाटर आपने लिया है उसको आपको ऊपर लिखना है, लिख के इसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे 20 200 में कितने बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 ml पर मिनट, मतलब आपने क्या किया वहाँ पे एक मिनट में लगभग 10 ml वाटर जो है सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो 10 ml पर मिनट मतलब क्या है, आपने सॉइल ने क्या किया, एक मिनट में 10 ml पानी जो है एब्जॉर्ब किया, और इसे ही क्या कहा जाता है, रेट ऑफ पार्कुलेशन। उसके बाद आपने जो रेट ऑफ पार्कुलेशन निकाला, जैसे आपका 10 ml पर मिनट निकला, आपका जो बाकी दो टीम है, सपोज बी और सी टीम है, उसका पार्कुलेशन रेट क्या है, वो भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं मॉइस्चर इन सॉयल, मतलब सॉयल में कितना नमी होते हैं, मिट्टी में कितना नमी होते हैं वो देखते हैं। समर सीजन में क्या होते हैं, अगर आप फार्मलैंड के आसपास से घूमते हो, मतलब जो खेत होते हैं ना, फसल उगने वाला जो खेत होते हैं उसके आसपास से अगर घूमते हो तो आपको क्या दिखाई देते हैं, जो लैंड होते हैं, लैंड की ऊपर वाला जो एयर है वो थोड़ा सा ना शिमरिंग करते हैं, शिमरिंग का मतलब होता है झिलमिलाते हैं, शाइन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लैंड के ऊपर वाला एयर समर सीजन में झिलमिलाते क्यों है, शाइन क्यों करते हैं, उसे जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक बॉयलिंग ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब या फिर कोई भी एक ट्यूब लेना है, जिसको आपको जो है 2 स्पून फुल करके उसमें सॉयल सैंपल डालना है। सपोज ये आपका एक, ये आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें आपको क्या करना है, 2 स्पून फुल करके इसमें जैसे कि आपको सॉयल इसमें डालना है। सॉइल डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, गर्म करना है एक फ्लेम के ज़रिए। जब आप सॉइल को हीट करोगे तो क्या होगा, जो सॉइल में जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा मतलब इसमें जो क्या होगा, वेपर बनेगा, वेपर बन के वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद वो जो वेपर है वो कंडेंस होगा, कंडेंस का मतलब होता है जब वेपर से लिक्विड बनते हैं तब उसको कंडेंस होना कहते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो वेपर है वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बन के जो ट्यूब का जो इनर वॉल है जो थोड़ा सा ठंडा है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो उतना गर्म नहीं होगा, तो जो इनर वॉल ठंडा वाला इनर वॉल है उसमें वो वाटर रह जाएगा। तो उसी तरीके कैसे सामान में क्या होते हैं, जब सामान में बहुत गर्मी होती है तो जो सॉइल होते हैं ना, सॉइल को हीट लगता है और सॉइल में जो वाटर होते हैं, वाटर क्या होते हैं, वेपर बन जाते हैं, और वो वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, वो वेपर सब सॉइल से निकलते हैं तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वो वेपर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें वो झिलमिलाता हुआ नज़र आते हैं,
सॉयल सीम्स टू शिमर, इसलिए वो जो एयर होती है जो हमें दिखता है वो एक्चुअली वेपर है जो सॉयल से निकला है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो शाइन करता हुआ दिखता है। आफ्टर हीटिंग द सॉयल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, आपने सॉयल को हीट करने के बाद उस ट्यूब से सॉयल को निकालिए और जो सॉयल हीट नहीं है उस सॉयल के साथ कंपेयर करिए और देखिए कुछ डिफरेंस दिखते हैं कि नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल, सॉयल कितना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अलग अलग टाइप के सॉयल होते हैं जैसे सैंडी सॉयल होते हैं, क्ले होते हैं, लोमी सॉयल होते हैं, तीन टाइप के जनरली सॉयल होते हैं। तो अलग अलग सॉयल का जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उसके देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का फनल लेना है, फनल इस टाइप का होते हैं, ऐसे आपको एक फनल लेना है। उस फनल में आपको क्या करना है, इस फनल शेप जैसा न्यूज़पेपर या फिर कोई भी वाइट पेपर कुछ भी एक शीट को आपको फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, 50 ग्राम ड्राई पाउडर जैसा सॉयल लेना है और उस सॉयल को धीरे धीरे करके इस फानेल में डाल देना है। उसके बाद आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, आप बीकर ले सकते हैं, बीकर में जो है इस तरीके का मेजरिंग लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, आप बीकर ले लीजिए। उसमें आप कोई भी एक अमाउंट का अपने हिसाब से पानी ले लीजिए और ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ से पानी ड्रॉप ड्रॉप करके इस जो फानेल है फानेल में डालते जाइए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी एक ही जगह पे ना गिरे, आपको अलग अलग जगह पे पानी डालते जाना है और पानी तब तक डालना है जब तक पानी जो है निचोड़ के नीचे ना गिरे। ड्रिपिंग का मतलब होता है, मतलब पानी सॉयल एब्जॉर्ब करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे गिरता रहेगा ना, उसको गिरने नहीं देना है। जब तक ना गिरे तब तक आपको पानी को वहाँ पर डालते जाना है। तो यहाँ पे मिक्सर में दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस जितना पानी रह गया, मतलब आपने पानी डाला उसके बाद कुछ पानी जो है आपके मेजरिंग सिलेंडर में रह गया, तो उस पानी का जो अमाउंट है उसको आपको लिख लेना है, आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद आप जो है इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको निकाल सकते हैं। तो आपने सॉइल कितना लिया था, सॉइल लिया था 50 ग्राम। उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जब पहले आपने मेजरिंग सिलेंडर में वाटर लिया था, पहला वाला वाटर का जो मेज़र है वो सपोज़ UML है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ आपने 200 ml लिया, उसका 100 ml जो है आपने जो सॉइल ने शायद एब्जॉर्ब कर लिया 100 ml, तो ये जो 100 ml है जो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर में कितना वाटर रह गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में कितना वाटर रह गया उसको सपोज हमने लिख लिया VML। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल, सॉयल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनिशियल वाटर का अमाउंट था उससे जो फाइनल वाटर का अमाउंट है उसको माइनस करेंगे, तो हमें जो है सॉयल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया वो निकल जाएगा। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉयल, तो अगर आप उस वाटर का जो है वेट लेना चाहेंगे तो उसको भी सेम तरीके से U-V लिखना पड़ेगा, मतलब इनिशियल वाटर वॉल्यूम माइनस जो है फाइनल वाटर वॉल्यूम करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो 1 ml वाटर इक्वल टू कोई भी एक चीज़ का 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का जो वेट होता है वो 1 ml वाटर की बराबर होते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया उसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, आपको इनिशियल वाटर अमाउंट माइनस फाइनल वाटर अमाउंट डिवाइडेड बाय आपने कितना सॉइल लिया था, आपने 50 ग्राम सॉइल लिया था इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू होता है, तो इसके बाद जो निकलेगा वो होगा परसेंटेज ऑफ वाटर
एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉयल। तो इस एक्टिविटी को आप रिपीट करिए हर टाइप के सैंपल के साथ, क्ले के साथ, सैंडी के साथ, अगर आपने ये लोमी सॉयल के साथ किया है तो बाकी दो सॉयल के सैंपल के साथ ट्राई करिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन सी टाइप के सॉयल का जो है परकुलेशन रेट ज़्यादा है, मतलब कौन सी सॉयल का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन सी सॉयल का परकुलेशन रेट कम है, वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद है सॉयल एंड क्रॉप्स, मतलब मिट्टी और फसल। तो इंडिया में क्या होता है, अलग अलग जगह पे जो सॉइल का टाइप है वो अलग अलग है, कहीं पे क्ले है तो कहीं पे लोमी सॉइल है, कहीं पे सैंडी सॉइल है। और जो सॉइल का प्रोफाइल होते हैं, मतलब सॉइल का जो बनावट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बिगड़ने के लिए कुछ फैक्टर्स है जिसे हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहते हैं, जैसे हवा है, बारिश, उसके बाद टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो सॉइल की बनावट के साथ साथ सॉइल की प्रोफाइल, स्ट्रक्चर, टेक्सचर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कोई भी एक जगह का क्लाइमेटिक फैक्टर्स और सॉइल में कौन कौन सी कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करते हैं कि उस जगह पे किस टाइप की फसल उगेगा। तो क्ले और लोमी सॉइल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, सीरियल्स के लिए अच्छा होते हैं, जैसे वीट, ग्राम, ये सब अच्छे से होते हैं, क्योंकि ऐसे सॉइल पे क्या होते हैं, वाटर पकड़ के रखने का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इन सब फसल उगने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होते हैं। और राइस के लिए, पेटी का मतलब राइस होते हैं, राइस के लिए सॉइल्स में सॉइल क्ले वाला सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ सॉइल में खाद होना चाहिए और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राइस होने के लिए ना बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। ये जो रेनी सीजन या फिर रेन होने वाला जो एरिया होते हैं वहाँ पर ही होते हैं। और जो दाल टाइप की चीज़ है उसके लिए लोमी सॉइल अच्छा होता है, क्योंकि लोमी सॉइल में वाटर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, ऐसे फसल के लिए वाटर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। और कॉटन के लिए सैंडी और लोमी सॉइल दोनों अच्छा होते हैं, दोनों में ये दो फसल जो है कॉटन जो है वो अच्छे से उगते हैं। तो यहाँ पे एक केस स्टडी है, यहाँ पे क्या क्या है, तीन लोग जैसे जॉन, रशीदा, राधा, ये तीनों लोग ने दो लीलाधर दादा और संतोष मालविया नाम की मध्य प्रदेश के रहने वाले दो लोगों के पास गए। वहाँ पे जाके देखा कि वो जो लोग थे लीलाधर और संतोष, वो लोग क्या बना रहे हैं, सुराही, मटका, कल्ला, कल्ला का मतलब होता है फ्राइंग पैन, जो मिट्टी का बना हुआ फ्राइंग पैन होते हैं वो सब बना रहे हैं। तो वो लोग ने जाके सवाल किया कि ये जो मिट्टी है ये कहाँ से पाए जाते हैं। तो दादा ने जवाब दिया, ये मिट्टी जो है वो पास में कोई बंजर खेत है वहाँ से लाए जाते हैं, वहाँ पे ब्लैक मिट्टी पाए जाते हैं। उसके बाद इस मिट्टी को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये सवाल जो है जान, रशीदा और राधा ने पूछा। तो दादा ने क्या बोला कि उस सॉइल को लाने के बाद उसको क्या किया जाता है, एक बड़ा वाला टैंक में उसको रखा जाता है, और उसमें से जो भी उसमें डस्ट वगैरह होता है, वो पेपर, प्लास्टिक वगैरह, उसको हटा के उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद उसको 8 घंटे तक उसको सुखाया जाता है, उसमें रखा जाता है। और जो हॉर्सेस का डंग होता है ना, हॉर्सेस का जो पॉटी होते हैं, उसके साथ उस सॉइल को अच्छे से नीडेड किया जाता है। नीड करना मतलब आटा जैसे गूंदते हैं ना, उस तरीके से सॉइल को गूंदा जाता है। गूंदने के बाद सॉइल को क्या किया जाता है, एक व्हील में रखा जाता है, यहाँ पे पिक्चर में है, ये देखिए, ये जो है व्हील है, इस तरीके का व्हील में रखा जाता है, और उसको जो है शेप दिया जाता है, अप्रोप्रिएट शेप जो है, लास्ट जो शेप है वो हाथ से दिया जाता है। और शेप आने के बाद उसको 3 दिन तक अच्छे से सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको कलर किया जाता है, कलर करके उसको, कलर सूखने के बाद उसको फिर से बैक किया जाता है, मतलब आग में उस चीज़ को जलाया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर में जला के उसको ड्राई किया जाता है।
तो जो हॉर्स का डांग है जो घोड़े का पॉटी क्यों यहाँ पे मिक्स किया जाता है, ये सवाल करने पर दादा ने क्या बोला, जब हॉर्स का पॉटी जब बर्न होता है तो वो क्या करते हैं, सॉइल की पोर्स को ओपन कर देते हैं जिससे परकुलेशन होता है, मटका और सुराही में वहाँ पे जो वाटर होते हैं वो इवापोरेट होते हैं और अंदर ही ठंडा होके रह जाते हैं। और ये जो मिट्टी का सामान होते हैं ना, मिट्टी का कुछ भी हो, सुहाग, बुरी, सुराही, मटका, ये सब फेमस होते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद की जबलपुर, नागपुर, इन सब जगहों में ये फेमस है। क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, व्हीट को क्या किया जाता है, व्हीट क्ले सॉइल में ज़्यादा सुइटेबल होते हैं क्योंकि क्ले सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होते हैं। तो आपके आसपास किस टाइप की फसल उगते हैं इस बारे में आप अपने पेरेंट्स या फिर टीचर या फिर आसपास के जो फार्मर्स हैं उन लोगों से पता कर सकते हैं। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सॉइल इरोशन। सॉइल इरेशन में क्या होते हैं, जो लैंड का सरफेस सॉइल होते हैं ना, जो टॉप सॉइल होते हैं, जो ये वाला टॉप सॉइल होते हैं, वो सॉइल धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। किस वजह से, वाटर की वजह से, अगर तेज़ बारिश होता है तब होते हैं, हवा चलने की वजह से। जो प्लांट होते हैं, प्लांट के रूट्स वाटर को बांध के रखते हैं, सॉरी सॉइल को बांध के रखते हैं। अगर कोई भी जगह पे प्लांट्स नहीं होते हैं तो सॉइल जो है वो लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने की वजह से जब हवा चलते हैं या फिर वाटर ब्लो होते हैं, वाटर वहाँ से फ्लो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो टॉप सॉइल होते हैं, टॉप सॉइल को वो लेके जाते हैं। तो इरोशन ऑफ सॉइल जो होते हैं, इरेशन ऑफ सॉइल उस जगह पे होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, उस जगह पे ज़्यादा होते हैं, जैसे डेजर्ट पे ज़्यादा होते हैं या फिर जो बंजर भूमि होते हैं उस पे ज़्यादा होते हैं। पेड़ पौधा जो काटने का जो सिलसिला है उसे बंद करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाना चाहिए, तब जाके सॉइल इरेशन रुक सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 सॉइल कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।